डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 7 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 है ना। तो देखिए इसमें f ऑफ x कितना है, f ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 7 व्हिच इज क्वेश्चन, ये क्या बताओ क्वेश्चन है ना, इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, क्या होगा क्वेश्चन रूल लगेगा। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है, d by dx ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, रेस्ट ऑफ डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस रेस्ट ऑफ न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये होता है ना, अब इसे वैल्यू कर लीजिए, ठीक है। तो d by dx डिवाइड dx ऑफ fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ क्या कितना है बताओ, 3x + 7, तो 3x + 7 होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर रेस्ट ऑफ डिनोमिनेटर बट 3x + 7 आई इसे कॉपी कर लीजिए, फिर डिवाइड dx ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर कितना है 3x स्क्वायर माइनस 4 फिर माइनस रेस्ट ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर को आईडी की जगह कॉपी कर लीजिए, ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ रेस्ट ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को आईडी की कॉपी कर लीजिए, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना आपका 3x + 7 है ना, आप इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो जैसे डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, इसको ये प्राइम एक्स से दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे ये बेस एक्स है, तो ये बेस एक्स क्या होता था फर्स्ट डेरिवेटिव होता था, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 3x + 7 होल स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा 3x + 7, अब इसको डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंस ऑफ फंक्शन इसको टू डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन है ना, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंस ऑफ फंक्शन इसको टू डिफरेंस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन है ना, इसके अकॉर्डिंग ये आपका डिफरेंशिएशन इस टर्म के साथ हो जाएगा, डी बाई डी एक्स आपका थ्री एक्स स्क्वायर के साथ हो जाएगा माइनस फोर के साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका डी बाई डी एक्स आप थ्री एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स आप थ्री एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री स्क्वायर ले ली गई है एक्स स्क्वायर का टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो थ्री एक्स डी बाई डी एक्स आप थ्री एक्स प्लस डी बाई डी एक्स आप सेवन, f प्राइम x जो है f प्राइम x इक्वल टू हो गया 18x³ और प्लस ये हो जाएगा आपका 33x² और प्लस 12 अपॉन 3x + 7 होल स्क्वायर, तो बराबर प्लस 4 हो जाएगा अपॉन 3x + 7 होल स्क्वायर।
बड़े आंसर ऐसे चेक करिए। Yes.